अगेन पेपर में अगर ये क्वेश्चन आता तो आपके लिए मैंने यहाँ पे पूरा करा है, पेपर में खुद पूरा नहीं करता। मेरे को दिख रहा है ये स्क्वायर करना है तो मैं 6 का स्क्वायर करता और मैं देखता कि यहाँ पे 3 बचेगा, 6 का स्क्वायर 36 में सीधा 3 जोड़ता, आंसर 39 आया, तो पेपर में मेरा क्वेश्चन देख के सॉल्व हो जाता। बट वो देख के सॉल्व हो उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ठीक है। जो लोग ट्रिक बोलते हैं ना कि ट्रिक है ट्रिक है ट्रिक है, वो ट्रिक कुछ नहीं है। ट्रिक क्या है, आप इतनी प्रैक्टिस करो कि आपको टिप्स पे चीजें याद हो जाए कि अच्छा ऐसा कुछ नहीं है, समझे। जिस दिन आप ये कर लोगे ना तब आपको ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ट्रिक आपको आती है। ट्रिक अगर मैं सच बोलूं ट्रिक सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स को बेवकूफ बनाने का तरीका है, उन स्टूडेंट्स को जिनको मैथ्स नहीं आता। अगर किसी स्टूडेंट को मैथ्स आता है ना, उसको ट्रिक के नाम पे ना टीचर बेवकूफ नहीं बना सकता कि देखो मैंने ट्रिक निकाली है, ठीक है। ट्रिक सिर्फ उन स्टूडेंट को इंप्रेस करती है जिनको मैथ्स नहीं आता, बट वो स्टूडेंट पेपर में जाकर ट्रिक कभी अप्लाई नहीं कर पाते क्योंकि उनको मैथ्स नहीं आता, क्योंकि उनके बेसिक्स वीक हैं। तो आप बेसिक सुधारिए, प्रैक्टिस करिए, आप ट्रिक अपने आप बना लेंगे।